नमस्कार, सुरक्षाबंधन की आप सबको बधाई। और मैं विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर, करियर मेंटर, करियर गाइड और साथ में एमबीबीएस कंसल्टेंट भी। और जब राउंड 3 आ जाता है तो शुरू कभी कभार हमें एमबीबीएस एजेंट की भूमिका में भी आना पड़ता है। मुझे पता है कि कई लोग हमारे वीडियोस को सुन के, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या जो बेचारे फुल टाइम एजेंट और फ्रॉस्टर्स हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा है कि उनके काफ़ी क्लाइंट ख़राब हो रहे हैं मेरे वीडियोज़ की वजह से। पर अब क्या करें, जिसको भगवान ने जैसा बनाया है। तो देखिए, आ गया है राजस्थान का राउंड 2 का एलोकेशन, और खुशखबरी है नॉन राजस्थानीज के लिए। और वही जो मैंने आपको 1.5 महीने पहले भी कहा था कि घबराइए मत, लास्ट में आपको राजस्थान मिलेगा। राजस्थान हमेशा हारों का सहारा, शाम हमारा। लेकिन जल्दबाजी ना करें, अपनी ट्राई कर लीजिए। और आप में से कई लोग हैं जिनको राउंड 2 में 200 नंबर पे भी, 199 पे, हम जानते हैं एमएमयू साधोपुर मिल गया, जिसका 1 करोड़ का पैकेज पड़ता है। या एसजीटी गुड़गांव 240 नंबर में मिल गया, अगेन 1 करोड़ का पैकेज पड़ता है। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो खत्म हो गया है, जिनके और नंबर अच्छे थे 350 के ऊपर, उन्होंने उत्तराखंड ले लिया, कुछ साउथ में चले गए, कुछ डीम्ड में चले गए। अब 150 से लेके 210 नंबर जो फिलहाल खाली बैठे हैं, 220 नंबर, 230 नंबर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, अगर आप इस ब्रैकेट में रहने वालों का बजट कम है तो शायद आपको फिर नेपाल जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका काम 65-70 लाख में हो जाता है। लेकिन आप अगर 1+ खर्च करने को तैयार हैं हॉस्टल मिला के, तो 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था कि मध्य प्रदेश ने अपनी एनआरआई सीटें आ गई हैं, जिसमें आप एनआरआई सीट जो राउंड 3 में कन्वर्ट होगी वो आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपका एनआरआई का पेपर चाहिए होता है। और चूंकि मध्य प्रदेश में कर्नाटका स्टेट की तरह एनआरआई वार्ड अलाउड होता है, मैं आपको कई बार समझा चुका ना कि एनआरआई 3 टाइप के होते हैं, तो एनआरआई वार्ड अलाउड होता है मध्य प्रदेश और कर्नाटका स्टेट में। अब लोग ऐसे होते हैं कि जेएलएन और जेएसएस को भी कर्नाटका स्टेट समझ लेते हैं। देखिए, जेएसएस मैसूर, जेएलएन बेलागावी, केएस हेगड़े, वो हैं कर्नाटक में, बट वो एमसीसी के अंडर आते हैं काउंसलिंग में, तो वो एमसीसी का रूल फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनआरआई एलिजिबिलिटी। जबकि एमएस रामैया, कैंपे गौड़ा, जो स्टेट कर्नाटका स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं, वो कर्नाटका स्टेट का रूल फॉलो करते हैं, जिसमें ये होता है कि कोई भी एनआरआई बच्चे का गार्जियन बन सकता है, वही मध्य प्रदेश। तो वही जो 160 170 नंबर जो फिलहाल खाली बैठे थे, वो हॉस्टल मिला के, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर आप ज़्यादा बता रहे हो, एक पर्टिकुलर कॉलेज है भोपाल में, वहाँ तो 85 का ऑफर आ रहा है विदाउट हॉस्टल। तो मैं कहा जी, विद हॉस्टल तो 95 हो गया ना। और वो जो कॉलेज है वो बिल्कुल, जो मेरे वो होते हैं ना कि जो बिल्कुल 380 प्राइवेट कॉलेज में कहता हूँ, जो बिल्कुल बॉटम 30 है, उनमें से एक है वो कॉलेज। मैं नाम नहीं ले रहा, बेचारे दुखी हो जाते, नाम लेते महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल, जहाँ जाने का मतलब है अपने पैर पर बिल्कुल कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, वही इतना सस्ता दे रहा है ना। बाकी जो भी ढंग का कॉलेज है मध्य प्रदेश का, वो भी आपको इससे 10-15 लाख रुपए ऊपर से देगा। दैट मीन्स हॉस्टल मिला के 1,15 1,20। और उसी रेंज में एक और आ गया, जिसको ये झंझट भी नहीं करने, जिसको एनआरआई का पेपर नहीं बनवाना, वो है राजस्थान, जिंदाबाद। सबसे पहले देखिए राजस्थान की इस समय हालत क्या है। राजस्थान की हालत अच्छी नहीं है। राजस्थान में ये सब था, ये राजस्थान का राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स था, ठीक है। और आप देखिए कितनी सीटें हैं जो बची हुई थी। मैंने आपको बार बार समझाता हूँ मैं कि राजस्थान में ना दो तरह की सीटें प्राइवेट कॉलेज में होती हैं, जर्नल और मैनेजमेंट। दोनों सीटें नॉर्मल सीटें होती हैं, लिखने का तरीका अलग है। इसको बोला जाता है जर्नल सीटें, इनको बोला जाता है मैनेजमेंट सीटें, क्योंकि फीस ज़्यादा होती है। आपको दिखाता हूँ, जैसे पैसिफिक इंस्टीट्यूट उदयपुर खुला हुआ था, नॉर्मल सीट्स फीस है 21 लाख रुपये, तो मैनेजमेंट की फीस है 35 लाख रुपये। और यही हर जगह होता है, आप कोई भी कॉलेज उठा लीजिए, निम्स जयपुर उठाएंगे 19 लाख रुपए और 22 लाख रुपए। ओके, तो ये हो गया 2 सीटें। अब गड़बड़ क्या हुई है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि एलोकेशन इसे बहुत पुअर है। तो ये मैंने स्पेसिफिक अभी देख रहा था, मैं निम्स की ही बात करते हैं। सो निम्स जयपुर जो अभी आपने देखा था, 128 सीटें बची हुई थी, और इसमें जो एलोकेशन हुआ, वो सिर्फ एलोकेशन देखिए, अभी लोगों ने वो नहीं करा ज्वाइन, टोटल जो एलोकेशन है वो 86 सीट का है, 76 सीट का है। और बची कितनी हुई थी, बची आप देखिए 158, तो अभी 80 सीटें तो इसकी है जनरल। अब आ जाइए जो निम्स की मैनेजमेंट सीटें हैं, जो महंगी फीस होती है, निम्स मैनेजमेंट की है 38 सीटें, राइट। और ये 38 सीट में से जो एलोकेशन हुई है वो हुई है बिल्कुल गड़बड़। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा,
राजस्थान राउंड टू तक क्लोज स्टेट था। अब ये रुचिका जिसकी अच्छी वाली रैंक 3,74,000 है, जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है, उसने फिलहाल मैनेजमेंट सीट ले ली है, जिसकी फीस इस बेचारी को पड़ेगी महंगी, 19 के बदले 22 लाख रुपए पर ईयर, मतलब इस 15 लाख रुपए फालतू जाएंगे। जबकि इसको, इस बच्ची के नाम नोट कीजिए, रुचिका स्वामी को, क्योंकि तो 3,74,000 रैंक है, आराम से इसको मिल जाती नॉर्मल सीट। फीमेल जर्नल है ना, फीमेल जर्नल को तो, अगर मैं जेंडर फीमेल पकड़ लूँ और एलोकेशन कैटेगरी जर्नल पकड़ लूँ, इसके नीचे आराम से सीट मिली है। ये देखिए, इस रैंक तक पे सीट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बेवकूफ ने थी, थोड़ा मत मानिएगा कि महंगी सीट क्यों ली, क्योंकि तो एजेंट, जिन्हें एजेंट कहते हैं, वो पागल बनाते हैं ना। जो कहा गया होगा, जिस तरह आपको भी कई फोन आते हैं, जी हम ऐसे चॉइस फिलिंग करेंगे, वैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको सीट दिला देंगे। मतलब कि जब राजस्थान में चॉइस फिलिंग करे थे ऑनलाइन, तो वो पूछेगा निम्स जर्नल, निम्स मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के ऊपर भरवा दी गई, ये कह के कि मैनेजमेंट ऊपर भरेंगे तो पक्का सीट मिल जाएगी। ये सीट दिलवाने के नाम के 2-4-5 लाख रुपए ले लिए होंगे, जबकि सीट अपने आप खुद से मिली है। तो पता नहीं, मेरे वीडियो सुनने के बाद भी आप में से कुछ लोग एजेंटों को, फ्रॉडस्टर्स को 5 लाख देना चाहते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है। पर इसके अलावा सारे कॉलेज में सीटें खाली हैं, सिर्फ एक कॉलेज को छोड़ के, फेमस MGM जयपुर। MGM जयपुर की फ्री की सीट नहीं जी, मैनेजमेंट की भी सारी की सारी सीटें एलोकेट हो गई हैं, जो 27 लाख रुपए साल की फीस है। तो वो फ्रॉस्टर्स जो आपको MGM का वादा कर रहे थे, उनकी भी दुकान बंद, क्योंकि मैंने कहा इतना शानदार कॉलेज है कि कोई इसको छोड़ता ही नहीं है। तो उसकी सारी की सारी सीटें एलोकेट मैनेजमेंट में भी हो चुकी हैं, सारी कैटेगरी में, राइट। तो ये कॉलेज फुल है, बट इसके अलावा राजस्थान में आप कोई भी और कॉलेज उठा लीजिए, बहुत कम अलॉटमेंट इससे में हुई है, और रिपोर्टिंग तो अभी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास संभावना है कि अब आप राउंड 3 में बात शुरू कर सकते हैं। आपको ये देखिए, गीतांजलि बहुत शानदार कॉलेज है, सिर्फ 11 तो अलॉटमेंट हुई है। अब इसका भी अगर सीट मैट्रिक्स देखें, गीतांजलि मैनेजमेंट का अभी 35 सीटें बची हुई थी, राइट। तो बहुत सीटें बची हुई हैं। टोटल अगर मैं आपको रफली बताऊं, तो राजस्थान में इस राउंड में जो राउंड 3 बचा हुआ है, अभी तो अलॉटमेंट में देखते हैं कि रिपोर्ट कितने करते हैं, बट 500 से ऊपर सीटें हमारे लेवल, और 500 देखिए बहुत होती है, पूरे हरियाणा में 500 सीटें हैं ना प्राइवेट कॉलेजों में, मतलब मोटा मोटी। तो जितनी हरियाणा में टोटल सीटें हैं, उतना भी राजस्थान में सीटें खुली हुई हैं, बची हुई हैं, जो आपके लिए आएंगे। और 500 भी मैंने, मतलब बोला थोड़ी, मैं फिगर कम ही बोल रहा हूँ। जहाँ पर अगर हम देखें, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो लिखी हुई है 800, और अगर आप नीचे देखोगे, ये इकट्ठे लिखी होती है, लेकिन अनदर 100-150 सीटें ये हैं। तो 1,000 सीटें थी अलॉटमेंट, जो टोटल हुई है प्राइवेट कॉलेजों में वो 200-250 हुई है। बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं, जो मैंने आपसे कहा था राउंड 3 में आपको आराम से मिल जाएंगी। आपको राउंड 1 से पहले पास पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, और इसी डर की वजह से ही राजस्थान के कॉलेज आपसे पहले फीसें ट्रांसफर करवाते हैं एजेंटों के साथ मिलके। हम भी अब आपके लिए हेल्प करेंगे, हम सब कॉलेज को जानते हैं, आप भी जान जाएंगे कैसे। देखिए, इसी राजस्थान के होम पेज पे ये लिखा हुआ था कॉलेज इन्फॉर्मेशन शीट, वो खोला तो ये खुल गई, हर कॉलेज के नाम नंबर लिखे हैं, कर लीजिए फोन। तो नेगोशिएशन क्यों, फीस देखते हैं। निम्स की मैनेजमेंट फीस है 22 लाख रुपए, मतलब महंगी फीस, सीटें एक ही होती हैं, तो आप समझिए ना कैसे पागल बनाया गया दो बच्चों को। हॉस्टल मिला के ये आपको 1,20 का पड़ेगा, बहुत महंगा नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी है निम्स की, दिल्ली वालों को बहुत सूट करती है। 1,20 में आपका काम निम्स जयपुर में होने की इस बार पूरी पूरी संभावना है, लेकिन जरा पैसे, 35 लाख रुपए साल की फीस कर रखी है, 35 लाख रुपए। और यही वजह है कि नेगोशिएशन क्यों ऑफिशियली अलाउड होती है, क्योंकि 35 लाख रुपए फीस कर रखी है, दैट मीन्स पैकेज पड़ेगा 1,70 का। आप, आपको लगता है कि 1,70 कोई पैसिफिक के देगा, उससे अच्छा तो गीता भी ले लेंगे ना। तो जो नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि ये जो ना खाम खामी फीस इतनी कर रखी है, अब ये आपके साथ बात करते हैं, डील करते हैं, और आपको कम फीस में ये पैसे आपको सीट दे देते हैं। हर कॉलेज में ये भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरह की जरूरत पड़ेगी। जैसे उन्होंने बोला FDR, कि या तो आप ये देंगे या आप ट्यूशन फी 2 साल की देंगे। तो हर कॉलेज का ये भी रूल अलग है। ये नेगोशिएशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी या किसी भी अच्छे शरीफ एजेंट की मदद ले सकते हैं।
जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ना, लोग कहते हैं सर आप, कई लोग हैं जो फिक्स लाख रुपए भी ले रहे हैं, करते कुछ नहीं, कई लोग हैं जो फिक्स 40,000 ले रहे हैं, हम 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लेते हैं। और मैंने आपको एक बार समझाया है कि जो गवर्नमेंट कैंडिडेट थे 680 नंबर वाले, जिनका सिर्फ हमें ऑल इंडिया कोटा और उनका स्टेट कोटा भरना था, उनसे हमने 30,000 रुपये में लिए हैं। जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस 2 से 3 स्टेट ट्राई करे, 4 करे, 50,000 लिए हैं, ये हमारे 1 लाख के कस्टमर होते हैं जिनके नंबर 180 हैं, जिन्हें नेगोशिएशन करनी है, और नेगोशिएशन में हमारी वजह से उनके अगर पैसे अच्छे बच जाते हैं तो आई थिंक हमारे पैसे देने में नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसी का हमारा वो 1 लाख का पैकेज होता है फॉर ओनली दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स। तो अब मैं ना 140 भी नहीं, देखिए राजस्थान में कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चा भी आ सकता है, तो आप में से कोई 110, 112, 115 नंबर का बच्चा भी है, उसको भी राजस्थान में सीट मिल जाएगी। मिलेगी कैसे, अब समझिए, राउंड 3 ऑफलाइन होगा जयपुर में, ठीक है, अभी उसको होने में 7-8 दिन है, 10 दिन है। वैसे मेरा मन था कि मैं बाद में बनाता है इसको, मैं आज आपकी तरह मेरी भी राखी चल रही है, लेकिन लोगों ने बोला सर हम खाम खाम में एमसीसी के राउंड 3 में जाके साउथ में चले जाएं, और वहाँ भी हमें 1 देना पड़ेगा, या हम गीतम चले जाएं या उस तरह की महंगी यूनिवर्सिटी चले जाएं, संतोष चले जाएं, उससे अच्छा है कि आप प्लीज़ पहले बता दीजिए कि राजस्थान में क्या संभावना है। सो देखिए जयपुर का तो मैंने आपको, निम्स का तो मैंने आपको ऑफिशियली पैकेज बता दिया था, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस है ना, आपका काम 1 20 से 1 25 के बीच में हॉस्टल मिला के हो जाता है नेगोशिएशन करके। अब इसको भी देखिए 26 लाख फीस रखी हुई है, तो ये भी आपको दे देंगे, मतलब 1 प्लस हॉस्टल मिला के भाई मान के चलिए आप 1 15 1 20 में, ठीक है ना, 2 लाख रुपए आ गए ना सर, तो 1 15 1 20 में अब आपको सीट मिल जाती है राजस्थान में, तो आप इसे कोई खाली नहीं बैठेगा। तो जो 170 180 नंबर वाले हैं और जो 1 20 1 25 खर्च करना चाहते हैं, उनके पास अब ये ऑप्शंस राजस्थान की हैं, ठीक है। फर्क ये है कि काम कैसे होता है, देखिए अब तो आप राउंड 3 खुल जाएगा आप सबके लिए, नॉन राजस्थानी भर सकते हैं, नॉन राजस्थानी फॉर्म भरेंगे, ऑफलाइन राउंड होता है, आप जयपुर पहुंचते हैं, फिर से उस दिन पहले राजस्थानियों को बुलाया जाता है सीट लेने के लिए। लेकिन अब समझिए, पहले 2 राउंड क्लोज थे तो राजस्थानियों ने अभी तक नहीं भरा फॉर्म, क्योंकि वो बिना फॉर्म भरे जा चुके हैं यूपी, तभी यूपी कट ऑफ ऊपर जाती है। पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि राजस्थानियों ने राजस्थान छोड़ के यूपी का रुख अपना लिया है, यूपी का डर खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से यूपी कट ऑफ ऊपर चली गई है। तो राजस्थानियों ने तो जितना ट्राइब आना था मार लिया, तो अब इस पे से मोस्टली सीटें आपको नॉन राजस्थानियों के लिए मिल जाएंगी, तो जो भी उस दिन जयपुर पहुंचेगा उसको सीट मिल सकती है। अब काम आता है कि आप एक नहीं तकरीबन सभी कॉलेजेस से पहले बात करके रखिए। मैं फिर भी कहता हूँ फीस ट्रांसफर मत कीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ पर आपको कैसे करना है। तांती आपसे बैंक गारंटी मांग रहा है 3.5 साल की, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक बीजी बनवानी पड़ेगी बैंक से, तो आपके पास एक इंतजाम होना चाहिए। कोई होता है जो कुछ नहीं मांगता, और जो क्या मांगता है सब लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वही है कि बीजी मांगा जाएगा। तो कभी कभार होता है कि बंदे को कॉलेज पसंद होता है पर वो बीजी का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, आप हर साल फीस दे सकते हो बट फिलहाल बैंक गारंटी नहीं ला सकते। कुछ लोग होते हैं जो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से कॉलेज फाइनल करोगे। मैं कहूँगा सब कॉलेज से बात करके रखो, सब कॉलेज का पैकेज लेकर रखो, अब आप देख सको कि एक से तो काम चलेगा नहीं ना, क्या पता उस दिन आपसे ऊपर सारी सीटें भर जाएं, तो बस सबसे भी मत लेके चलो, 2 3 से लेके चलो मैक्सिमम, उस दिन जब सीट मिलने वाली होगी बात करके रखो, फाइनल बात करके रखो, ये जानकारी लेके रखो कि उस दिन सीट लेने के दौरान हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है। और मॉपअप में भी देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ इमिजिएटली करना होता है, आपको 3 दिन का टाइम मिलता है कॉलेज में रिपोर्ट करने का, कॉलेज वाले सारे वहाँ बैठे होते हैं जयपुर में, ठीक है, आप पहले बात कर चुके हो, आप आँख से आँख मिलाओगे, आप बोलोगे ठीक है भाई इससे हम आपसे मेरी इतनी फीस तय है, इतना हॉस्टल तय है, तो मैं मॉपअप में जब मेरा नंबर आएगा तो मैं ये सीट आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से ट्रांसपेरेंटली काम होता है, फिर आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो, फीस आप पहले डिसाइड कर चुके हो, ठीक है। अब वेबसाइट पे सब कॉलेजों का डिटेल भी लिखा हुआ है, आप में गट्स हैं, आप में आप कर सकते हो, डायरेक्टली बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, किसी भी अच्छे काउंसलर की मदद चाहिए तो हमारा काम सिर्फ यही होता है कि हम इन लोगों को चूंकि कई सालों से जानते हैं तो हमें पता है कि क्या कागज लगेंगे, क्या होगा, जिससे कि आपका काम आराम से बढ़िया तरीके से बिना किसी पेन के हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ जब आप 1 प्लस खर्च कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वालों से, मैं हमेशा कहता हूँ तो 50,000 से 1 लाख रुपए किसी अच्छे काउंसलर को देना बुरी बात नहीं है। जब आप 1 करोड़ का पैकेज खर्च करने वाले, 1% ही तो बनता है, 1%, बट उस चक्कर में आपके सारे हैसल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप धोखा नहीं खाएंगे और आपका काम पक्का और श्योर होगा।
ठीक है, तो ये है राजस्थान आपके लिए, और हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। जिसको भी राजस्थान में और कहीं सीट लेनी है आप हमें कॉल कर सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ, खासकर प्राइवेट वाले जो करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया, 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार है, उनको पहली कॉल के लिए 2,500 रुपये देने में क्या शर्म आती है भगवान जाने। मुझे उन लोगों की मेंटेलिटी समझ नहीं आती। मेरे को लोगों को सलाह है कि 1 करोड़ रुपया आप खर्च करने वाले हो ना, 1 करोड़ का 2,500 रुपये क्या प्रतिशत बनता है ज़रा सोचिए। और मैं इसलिए फ्री में बात नहीं करता है, मुझे लगता है कि जिसमें 2,500 रुपये देने की अकल नहीं है और वो ये नहीं समझता है क्यों देने हैं, वो फ्यूचर में ही 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये क्यों देगा, और वो 1 करोड़ रुपये सीट में जाकर भी क्या करेगा। और उनको मेरी फिर भी ये एक सलाह है, बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, दोस्त समझिए, कि जब 1.25 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं ना, तो किसी ईमानदार काउंसलिंग कंपनी को 2,500 रुपये बात करने के देने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपने काम कराना हो तो भी जो भी प्राइसेस हैं वो आपके सामने है। ओके, सो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, घबराइए मत। मैं हमेशा आपको डेवन से कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, सीट 110 नंबर वाले को भी इंडिया में मिल जाती है, आपके पास बस पैसा खर्च करने का होना चाहिए। और ये भी नहीं कि अंधा पैसा खर्च करना है, आपको उतना पैसा खर्च करना है, मतलब 1.25 करोड़ रुपये टोटल खर्च करके भी आपका काम हो जाता है। और जब अभी आप अभी भी देख रहे हो कि 1.25 में भी खर्च हो जाएगा। ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आपका काम हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और मैं बार-बार कहता हूँ, नेपाल उनके लिए है भाई जिनके पास 1, 10, 1, 15 नहीं है, तो जिनका बजट टाइट है कि हमें 60 लाख के अंदर अंदर ही काम करना है, उनके लिए मैं वो ऑप्शन हमेशा देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए तो इंडिया में अच्छी अच्छी कोई जगह पढ़ने की है ही नहीं। ओके, हैप्पी हराक्षी वंस अगेन, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर।